हेलो फ्रेंड, उम्मीद है आप खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जी रहे होंगे। आज हम एक ऐसा वीडियो देख रहे हैं एक बुजुर्ग हस्ती का कि जिन्होंने उम्र के 75 साल से 81 साल के बीच 4 कुरान खुद के हाथ से लिखे हैं। चलो उनसे अब मुलाकात करेंगे। इन हजरत की उम्र 81 साल है। अब तक ये हजरत 3 कुरान हाथ से लिख चुके हैं और ये चौथा भी लिखकर मुकम्मल होने जा रहा है। अल्लाह जिसे नेक तौफीक देता है वो दुनिया में अजीमो शान कारनामे करते हैं। वैसे तो बुजुर्ग आने पे जिस्मानी और मेंटली हेल्थ कमज़ोर हो जाती है, कुछ काम कर नहीं पाते। ये हजरत कुछ अलग है, अल्लाह ने उन्हें कुछ हुनर देके नवाजा है। 75 साल के उम्र में बार बार उनके दिल में ख्याल आने लगा कि मैं अपने हाथ से कुरान लिखूं, जैसे कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म ही दिया हो। फिर सिलसिला शुरू हो गया कुरान लिखने का। अल्लाह ने भी इस काम में उनकी मदद की। उन्होंने रोज 5-6 घंटे कुरान लिखना शुरू किया। 19 महीने 9 दिन में पहला कुरान लिखकर पूरा हो गया। वो आलिम तो नहीं है, सामान्य स्तर के इंसान है। इस लिखे हुए कुरान में कुछ गलती तो नहीं हुई, यह वो जानना चाहते थे, क्योंकि कुरान एक ऐसी पाक किताब है जिसमें कयामत तक एक जेर जबर का भी फर्क नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह लिखा हुआ कुरान बहुत सारे आलिम दीन से चेक करवा लिया। यह लिखा हुआ कुरान सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट भी आलिम दीन से मिलते गए। कुछ जगह तो कमिटी भी बनाई गई आलिम दीन की और उनके द्वारा इस कुरान को चेक किया और यह कुरान सही तरीके से लिखा है, इसका भी सर्टिफिकेट मिल गया। इससे इन हजरत को रूहानी सुकून मिल गया और आगे भी और कुरान लिखने की हिम्मत मिल गई। अगले 22 महीने में उन्होंने दूसरा कुरान भी लिख डाला और वो भी आलिम दीन से चेक कर लिया। फिर तीसरा कुरान भी उन्होंने लिखकर मुकम्मल कर दिया। चौथा कुरान भी लिखकर ख़त्म होने आ रहा है। अल्लाह कब किससे क्या काम लेगा ये बता नहीं सकते। उम्र के 75 साल तक यह हजरत सियासी और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे, मसलकों के झगड़ों में भी उलझे रहे। साइकिल किराए पे देने का इनका दुकान था और साथ में साइकिल रिपेयर करने का भी काम यह करते थे। इनके सिटी में इनका साइकिल दुकान मशहूर था। उम्र के 75 साल के बाद अल्लाह ने उनसे कुरान लिखने का काम करवा लिया। इन कुरान राइटर हजरत का नाम है हाजी गुलाब खां बाबूलाल खां पठान। भारत में महाराष्ट्र स्टेट के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बारसी तहसील है, उस सिटी में ये हाजी गुलाब खां पठान रहते हैं। उनका मकान इस सिटी में परांडा रोड पे है। इसी सिटी में शाहिर अमर शेख चौक में उनकी साइकिल की दुकान है जिसका नाम है नगीना साइकिल मार्ट। वैसे तो पूरे बारसी वाले उनको नगीना वाले इसी नाम से पहचानते हैं। इनके बारसी सिटी से 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय सोलापुर सिटी से कुछ मस्जिद वाले इन्हें कुरान दिखाने के लिए दावत दी थी। उस वक्त वो सोलापुर आए थे, तब वो हमारे घर भी तशरीफ लाए थे। तब उनसे ऐसी बातचीत हुई थी। हाँ खान साहब, ये आपका कितवा कुरान है आपके हाथ से लिखा हुआ? तीसरा कुरान है। इसके पहले एक कुरान लिखने कितना वक्त जाता है आपका? पहले इसको गया 21 महीने 9 दिन। हाँ, दूसरे को गया 22 महीने और ये कुरान को 15 महीने लग गए।
अच्छा, आपने ये कि आपको ऐसा कुरान लिखने के लिए क्यों आप प्रवृत्त हो गए? उसने ऐसा जाने, एक तो मौलाना के बाद जिसके पास मैं पढ़ाई करता था, उन्होंने मेरे को बोलने की सूरह याद करो करके। हाँ। तो मैं हिंदी से पढ़ने की वजह से हिंदी में कुछ बरोबर जमने का नहीं। हाँ। तो सूरह मैं अरबी में लिख के वो याद करने का जी। वो लिखते लिखते ऐसा लगा कि क्यों ना आपने कुरान लिखे। तो दो तीन टाइम पर कोशिश करके नहीं, बरोबर नहीं होने के बाद में फिर ढंग से हुआ है। पहले एक आठ पर एक कुरान लिखे लाए, तो उसमें ये नहीं समझ में आया कि कितने लाइन में कुरान लिखने का, एक पेज पर कितने लाइन बैठते, ये 13 लाइन का एक ये है पेज, उसमें कभी 9 लाइन आए, 11 लाइन आए, ऐसा होता था। आप वो प्रैक्टिस हो गई अच्छी आपकी? बहुत अच्छी प्रैक्टिस। आप दिन भर में कितना वक्त लगाते हो कुरान लिखने में? 5-6 घंटे जाते हैं। 5-6 घंटे आपका कारोबार करते 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 हो? कारोबार तो कोई है नहीं अपना। अभी उम्र कितनी है आपकी? 79। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये अल्लाह ने आपके आपसे बहुत अच्छा काम लिया, ये हाथ से कुरान लिखना है। अभी आगे भी ये कुरान होने के बाद भी और लिखना चाह रहे हो कुरान? हाँ जी। अल्लाह इंशाल्लाह आपको तौफीक दे। فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنكي हमारे सैयद गुलाब साहब, सैयद गुलाब साहब बारसी वाले, इनको इनका दीदार करिए। इन्होंने 3 कुरान शरीफ हाथ से लिखे हैं और 4th कुरान भी लिख रहे हैं हाथ से पूरा, माशाल्लाह। और अरे वो माफ कीजिए, वो सबकते लेसानी की वजह से सैयद जमील, सैयद जमील बोल बोल के, इनका गुलाब खान साहब है, सैयद नहीं है ये, गुलाब खान साहब है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग जो है खुश होते रहते हैं कि चलो मैं सैयद ने मेरे को सैयद लगा दिया, मगर उन्होंने वाजह किया कि मैं सैयद नहीं हूँ, मैं खान हूँ। और माशाल्लाह इन्होंने अच्छा काम किया, अल्लाह इनको जजाए खैर अता फरमाए। हर जगह से इनकी इज्जत अफजाई हो रही है। और इनको अभी गुलजारे मिल्लत ने बताया इन्होंने कि मुझे केज के प्रोग्राम में एक अनमोल घड़ी दिया जो 3.5 लाख कीमत रखती है, और पीरे तरीका थे, उन्होंने बहुत इज्जत दी, तो अल्लाह इनकी उम्र दराज रखे, अल्लाह अच्छा रखे। और इन्होंने हमको भी एक खिदमत दिया था, तो ये कि जब कुरान शरीफ इन्होंने लिखा तो उसकी जांच का मसला था कि इसको जांचे कौन, कि कहां मैंने गलतियां की हैं, कि कहां कुछ हुआ है, एराब वगैरह में मिस्टेक हुई है। ये माशाल्लाह ये भी एक समझदारी है, तो ये इदारे में आए और कारी साहब ये काम, तो फिर हमने जो है कुछ हुफाज मुकर्रर किए, क्योंकि मैं भी ये काम नहीं कर सकता था अकेले बैठ के, कुछ हुफाज को मुकर्रर किया, उनके वक्त का इजारा हुआ और माशाल्लाह उस कुरान की तफ्तीश हुई। इस तरह से अल जामियतुल गाजिया को भी ये शरफ हासिल हुआ इनकी मुआवनत करने का। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए प्लीज।